महानुभाव, भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत जिन शासन और जिन धर्म, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद सिद्धांतों को लेकर के चलता रहा है, विश्व में शांति हो, आनंद हो, सुख शांति हो, यही मूल उद्देश्य है। प्राणी मात्र जो है अपना जीवन जीने का अधिकार ले सकें, ये जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। महानुभाव, आज पूरे विश्व में जो हमारा शाकाहार और अहिंसा होना चाहिए उसकी परम आवश्यकता है। मैं लोगों से कहता हूँ, भगवान महावीर और या महाविनाश, दोनों में से कोई एक बात को चुनना होगा। महाविनाश जो है विश्व की समस्या है और महावीर उस विश्व के समाधान हैं, इसलिए महावीर की आवश्यकता है। मुझे खुशी है, प्लांट वेस्ट फूड जो है इसके माध्यम से ही इस देश को बचाया जा सकता है। हमारे WHO के प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रोस अदनोम ने भी कहा है कि प्लांट वेस्ट फूड से ही देश को बचाया जा सकता है, और इन्हीं के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने कहा है यदि इस प्रकार से मांस का भक्षण देश में होता रहा तो पूरा देश संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए, प्राणी मात्र जाति को बचाने के लिए हम सबको जो है अहिंसा के मार्ग में चलना अत्यंत आवश्यक है, ये ध्यान में रखना हमें चाहिए। महानुभाव, मुझे खुशी है G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी राष्ट्राध्यक्ष जो भी आए उन सब को शुद्ध शाकाहार भोजन कराया। अपनी संस्कृति से आपने परिचय कराया कि हमारी भारत संस्कृति, हमारी जैन श्रवण संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है। शुद्ध शाकाहार ही हमारा जीवन होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रथम चीफ जस्टिस, तीनों ही शाकाहारी हैं, तीनों ही अहिंसक हैं, तीनों ही शाकाहारी हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है। और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लोह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। महानुभाव, वन नेशन वन हेल्थ की हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी ने केटल हाउस चालू किया है वो सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा 1962 में जो एनिमल का जो एक्ट बना हुआ था उसका संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भेजा था 2017 में कि जो पशुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, भूखे छोड़ दिए जाते हैं, खाने नहीं दिया जाता है, तड़पाते हैं, उनको पीड़न देते हैं, उसका संशोधन होकर के ऐसा कानून लाना चाहिए कोई भी जीव की हत्या ना कर सके, पशुओं की हत्या ना कर सके। इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जिसको त्याग करने की कला आ गई उसको जीवन जीने की कला आ गई। बस मैं जो है दो लाइन बोलना चाहूंगा, जो हमारे जो शब्द हैं, और सभी लोग मेरे शब्दों संकेत से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम नहीं बोलूंगा। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, यही समय है सही समय है त्यागो तुम परदेश। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरी माटी मेरी माता भारत ही स्वदेश। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश।
और आदिनाथ ने क्या कहा, कृषि बनो या कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और महावीर ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, महावीर संदेश मेरा देव मेरा देश। और संकेत मेरे समझना, विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और अभी अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा था, भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। हाँ एक बार भैया, एक बार फिर से जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव, आशीर्वाद।